उस दौरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, किसानों को उनके खातों में 14वीं किस्त ट्रांसफर होगी और राजस्थान के लगभग 75 लाख किसानों के खातों में जाएगी और देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में एक बटन प्रधानमंत्री दबाएंगे और करोड़ों रुपया उनके खातों में ट्रांसफर होगा। मैं सोचता हूँ कि सीकर की धरती वो धरती है जहाँ जवानों की धरती है, किसानों की धरती है, बामाशाहों की धरती है, हमारी पारंपरिक संस्कृति की धरती है। और उस धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी एक विशाल किसान सभा को भी संबोधित करेंगे और देश भर के करोड़ों किसानों में के खातों में करोड़ों रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। क्या पूर्णतः प्रदेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, जिस वजह से भावनाएं? उससे आप 5 प्रश्न में राजस्थान की सरकार से करता हूँ। आपने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या आपने किया? क्या आपने फसल बीमा योजना का आप जो किस्त जमा करानी होती है वो जमा नहीं करा पाए? आप किसान की फसल खराबे के समय गिरदावरी करानी होती है, उस गिरदावरी को करा नहीं पाए। आपने सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, उसने वापस चालू कर दिया। और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 वर्ष में 1 यूनिट भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे, आपने 18 बार पैसा बढ़ाया है राजस्थान की सरकार ने। तो निश्चित रूप से सरकार किसान विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो किया और किसान को अन्नदाता मानकर उनकी समृद्धि के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक। देखिए, मैंने अभी कहा था ये बहुत बड़ा बयान है, उनको कहा कि ये बलात्कारी है और आप नहीं हैं तो आप फिर बोल क्यों नहीं रहे? आप अपना नार्को क्यों नहीं करा रहे हैं? आप नहीं बोलकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। लोकसभा में पूरा प्रदेश बना रहा है, क्या है उस लाल किताब में जिससे इससे डरे हुए हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी को जब वो प्रिय लगते थे, मेरी सरकार को राजेंद्र गुड़ा जी ने बचाई, ऐसा प्रिय आदमी आज आपका विरोधी कैसे हो गया? वही राजेंद्र गुड़ा जी कितनी मंजिल कूद के आपके लिए वो लाल डायरी अपना जीवन खतरे में डालकर लाए थे। आखिर क्या है उस लाल डायरी में जिससे आपको डर लग रहा है? आपने आखिर क्या काले कारनामे हैं आपके सरकार के और आपके आकाओं के दिल्ली में बैठे? आखिर क्या है जिससे आपको इतना डर लग रहा है? मुझे लगता है कि बहुत कुछ लाल डायरी में है जिससे पूरी सरकार डरी हुई है।